काफी ज्यादा है, लेकिन सर हम लोगों के बहुत नजदीक है, इसलिए हम लोग सन सन के लाइट को और हीट को ही फील कर पाते हैं, दूसरे स्टार्स के लाइट और हीट को फील नहीं कर पाते। इसका रीजन सिर्फ यही है कि वो काफी डिस्टेंस पर है, और उन सभी में सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि इसके पास भी अपना लाइट और हीट है। और हमारे सौर मंडल में यह सेंटर में होता है, और इसके पास अपने 8 प्लैनेट हैं। सो नेक्स्ट, यू मस्ट हैव काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। अब देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि रात के समय में हम लोग जिन चमकते हुए अनगिनत तारों को देखते हैं, वो सभी सूर्य के समान ही हैं, या फिर सूर्य से भी कई ज्यादा गुना बड़े हैं, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा अधिक दूरी पर होने के कारण वो छोटे छोटे दिखते हैं। और ज्यादा दूरी होने के चलते हम लोग उसका हीट और लाइट को फील नहीं कर पाते, तथा जिसके चलते क्या होता है कि वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट द ग्रेट हाइट। हम लोग रोज ही देखते रहते हैं, एरोप्लेन को देखते रहते हैं, हवाई जहाज आसमान में उड़ते हुए बराबर सब लोग देखते रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वो काफी ज्यादा छोटा दिखाई देता है, पर वास्तविक में वो उतना छोटा होता नहीं है, वास्तविक में वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतनी ज्यादा दूरी पर वो हवाई जहाज उड़ते रहता है कि हम लोग जब नीचे से देखते हैं तो छोटा सा लगता है जैसे 6 इंच का या 1 फीट का या 4 इंच का, ऐसे ही छोटा छोटा दिखाई देता है। इसका एक ही रीजन होता है कि जितने डिस्टेंस पर होता है उसकी साइज उतनी ही दिखती है। नजदीक में अगर हम लोग हेलीकॉप्टर देखते हैं तो हवाई जहाज से ज्यादा बड़ा दिखता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर कम डिस्टेंस पर होता है इसलिए वो उससे बड़ा दिखाई देता है, हवाई जहाज ज्यादा डिस्टेंस पर उड़ता है इसलिए वो छोटा दिखाई देता है, तो जो ज्यादा डिस्टेंस पर होता है वो उतना ही छोटा दिखाई देता है। हम लोग जब दूर से अगर पेड़ पौधे को देखते हैं तो पेड़ पौधे मकान या कुछ भी चीज को देखते हैं तो छोटा दिखाई देता है, पर जब सामने में देखते हैं तो वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है हम लोगों से, जिसके चलते वो चीज छोटा दिखाई देने लगता है। व्हाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कंस्टेलेशन। कंस्टलेशन नक्षत्र मंडल को कहते हैं। नक्षत्र मंडल एक तारों का समूह होता है। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कंस्टलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन इज स्मॉल बियर और सप्तर्षि। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज अर्सा मेजर कंस्टलेशन। आस्क सम एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स प्लैनेट एंड कंस्टलेशन इन द स्काई। अब रात के समान में, रात में जब हम लोग आसमान की ओर देखते हैं तो पाते हैं वहां पर कि अलग तारों का कुछ कुछ समूह अलग अलग अपना ग्रुप बनाकर रखता है, कुछ कुछ अपने ग्रुप में मिलते हैं, कहीं पर 4 स्टार का ग्रुप है, कहीं 5 स्टार का ग्रुप है, कहीं 7 स्टार का ग्रुप है, तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप में मिलता है। तो ये सभी ग्रुप जो है, अलग अलग ग्रुप नक्षत्र मंडल कहलाते हैं।
इसमें से अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला एक नक्षत्र मंडल सप्तर्षि है। आपने आसमान में कभी सात तारों का समूह देखा होगा जो इस तरह से होते हैं। जो इस तरह से बने हुए होते हैं ये इनको सप्तर्षि तारा कहा जाता है क्योंकि इसमें सात तारे होते हैं, सेवन स्टार्स इसमें एक ग्रुप में होते हैं और इसको हम लोग बड़ी आसानी से आसमान में जब देखते हैं तो बड़ी आसानी से इसको देख पाते हैं। यह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक पार्ट है। इसी तरह से आप और भी ग्रुप्स ऑफ स्टार के बारे में अपने फैमिली के किसी बड़े आदमी से या फिर अपने पड़ोसी के किसी बड़े आदमी से पूछकर आप रात में जान सकते हैं कि ये कौन कौन सा स्टार और अलग अलग कौन कौन से प्लेनेट हैं, कौन कौन सा स्टार है, अलग अलग वो आपको बता सकते हैं कि ये अलग अलग तारा इस नाम से जाना जाता है, ये प्लेनेट है। हम लोग बहुत सारे प्लेनेट को भी देखते हैं, मार्स दिखता है, विनस दिखता है, तो ये सब आसमान में अलग अलग जगहों पर होता है, अलग अलग एक अपने पॉइंट पर होता है और उसको देखने के लिए आप अपने घर के बड़ों से पूछकर जान सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे।